हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन के कुछ फ्लावर्स हैं जो इस सीज़न में मैं हमेशा ग्रो करती हूँ। तो अभी इस सीज़न में जो है बहुत बढ़िया सी, मेरी यहाँ साउथ इंडिया में जो क्लाइमेट रहती है उसके हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया सी है। अभी देखिए, पीछे मेरे बेटा साफ़ सफाई के लिए आ गया आज मेरे हेल्प के लिए। तो ये फ्लावर है जो खिला है, इसका बल्ब्स लगा सकते हैं आप। ये अभी बरसात से लेकर पूरे सर्दियों तक ये बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग करता है। मैंने लास्ट ईयर भी इसका फ्लावर लिया है, तो इस बार मैंने दो दो बार इसका फ्लावर का आनंद लिया है। इसका और भी बल्ब्स है मुझे लगानी है, तो मैं उसका वीडियो जल्दी आपसे शेयर करूँगी। और कुछ बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो मैं ग्रो करती हूँ, तो सीज़न फुल आप देखते जाएंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये है रेन लिली। रेन लिली के कुछ फ्लावर्स हैं, देखिए कितनी सारी कलियाँ आ रही है। तो ये तो रेन की जो बारिश की बूंदें पड़ते ही जो है वो खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे आप इसकी केयर करो या ना करो, खाद दो या ना दो, ये अपने आप ही ग्रो होते हैं, अपने आप ही फ्लावर देने लगते हैं। बस इसका बल्ब्स आपके पास होने चाहिए। तो इस तरह से कहीं कहाँ पर भी इसका बल्ब गिरे या सीड्स गिरे, देखिए अपने आप ही ग्रो होता है, अपने आप ही इसमें फ्लावर आने लगता है। और लिली फ्लावर है, आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ लिली कभी फ्लावर नहीं दिया है। तो मैंने लगा के तो रखी हूँ, बहुत सारे लिलीज के प्लांट है लेकिन फ्लावर नहीं आ रहे। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ उसको, तो धीरे धीरे से उसमें फ्लावर आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर बल्ब्स है जो सर्दियों में आप लगाएंगे तो पूरा पूरा साल तक आपके पास रहेंगे। बरसात में भी रहेगा और जो है बारिश में भी रहेगा और सर्दी में भी इसकी बहुत सारी जो है आपको फ्लावर जो है वो मिल सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी है, हिबिस्कस है, मैं फ्लावर्स आपको दिखाती ही जाऊँगी, आप देखते रहिएगा। बहुत सुंदर सुंदर सी फ्लावर्स है जो मेरे गार्डन में खिलते ही रहते हैं। ये दैनता से मैंने लास्ट ईयर से लाए थे, इसके कटिंग भी ढेर सारे मैंने लगाई है, लास्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर किया था। और क्रेसेंथेमम में इस सीज़न में आप कटिंग से ज़रूर लगाइएगा, बहुत सारी फ्लावर दे ले सकते हैं आप। ये देखिए, ये तो साल भर ही फ्लावर दे रहा है मेरे यहाँ, पूरे साल भर। सर्दियाँ अभी शुरू भी नहीं हुए तो ये अभी भी फ्लावर दे रहे हैं। बस इसको थोड़ी सी खाद, मिट्टी का ध्यान रखे, पानी का ध्यान रखे, तो पूरे साल ही आपको अच्छी फ्लावर दे सकती है। रोज़ प्लांट है, रोज़ प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आता है, बहुत सारी शो प्लांट्स हैं मेरी यहाँ जो, ये देखिए पूरे बरसात जब स्टार्टिंग का था, जब का ये मेरा गार्डन है, उसके बाद है मॉस रोज़। तो बहुत सारे कलर इस बार मैंने इकट्ठा किए हैं, बहुत सारे। और लगाने के लिए आपको कोई पौधे पौधा खरीदने की या पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं। जब मैं मेरा गार्डन जो भी देखते हैं उनके लिए तो फ्री गार्डनिंग कैसे करनी है, बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए होंगे। कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाए तो लाकर लगाइएगा। और छोटी मोटी बॉटल्स, छोटे मोटे डब्बे बहुत सारे सभी के घर में आजकल मिलते हैं, सभी के घर में, वो सब लेकर आइएगा और उनमें ही गार्डन करिए। ये सब तो कोई भी पॉट नहीं है, मैंने कोई भी पॉट इसमें से ख़रीदा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए फ्री में मेरे यहाँ इतनी सारी पौधे रेडी है और फ्लावर भी आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे। ये सब वेस्ट डब्बे में मैंने लगाए हैं, पूरे के पूरे वेस्ट डब्बे में मैंने लगाए हैं। एक भी पॉट आपको नहीं दिखेगा, पूरे बॉटल्स ही बॉटल्स हैं। पूरे इस कॉर्नर में जितने भी आपको दिखेंगे, देखिए सभी बॉटल्स, डब्बे, वेस्ट डब्बे, तो उसी में बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं। अभी ये ब्लैक कलर के पॉट है, ये जो इसके साथ फ्री आता है तो वही है, पौधों के साथ हम लाते हैं तो वही है। और अभी देखिए बल्ब्स में फुटबॉल लिली भी है, साल में एक दो बार ही मेरे यहाँ ग्रो करता है, लेकिन इसका बल्ब हमेशा रहता है। और इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत रहती है, अगर रहती है तो पत्तियाँ भी खूबसूरत रहेंगी आपकी और सब फ्लावर खिलता है तो अभी भी देखने में बहुत सुंदर है। देखिए कितना बड़ा, कितना मोटा साइज़ में ये बल्ब खिला है। ये भी बारिश में और समर में खिलता है, वैसे सर्दियों में नहीं खिलता है ये। समर में तो बहुत अच्छी सी इसकी ब्लूमिंग होती है। तो ये सब देखिए, इसकी पोलन छोड़ देंगे तो यहीं पर सीड्स बन जाएंगे। तो कितनी अच्छी, नीचे देखिए अभी पत्तियाँ निकल रही है, अभी तो बहुत सारी पत्तियाँ इसकी यहाँ बनी हुई हैं। और एक मैं ग्लैडुलस का बल्ब से, और एक देखिए ये वाइट वाला, ये बहुत मोटा और बहुत ही बड़ा बल्ब था और इसमें बहुत हेल्दी फ्लावर निकला था।
कुछ ही दिन पहले इसमें भी एक बहुत अच्छी सी फ्लावर आई थी। हालांकि सभी वाइट ही आए हैं मेरे पास जितने भी आए हैं, और देखिए कितने सारे बल्ब्स यहाँ पर मैंने ग्रो कर रखा था। देखिए झुका हुआ है ये, इतनी वजन है और बहुत बड़ी बड़ी फ्लावर इसमें आए हैं, तो इस तरह से ये लटका हुआ और नीचे गिरा हुआ सा है। बहुत सुंदर सी ये फ्लावर है, ये तो एक हफ्ते तक आपकी गार्डन में रहेंगी, ऊपर खिलती जाएंगी नीचे सूखती जाएंगी, आप नीचे का हटाती रहिएगा तो ये हफ्ते भर तक ये आपकी गार्डन में रहेंगे। बल्ब्स को लगाने के लिए मिट्टी वाला गमला या सीमेंट वाला गमला ले, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं उसके लिए। देखिए मैं तो हमेशा डब्बे में ही लगाती हूँ, सारे के सारे जितने भी पुराने पॉट्स थे उसी में मैं लेकर चल रही हूँ सीमेंट के, बाकी सब मेरे पास डब्बे ही डब्बे हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा जीनिया फ्लावर्स है। जीनिया तो जीर से आराम से ग्रो हो जाएंगे, एक बार आप लाएंगे तो साल सालों भर आपके गार्डन में खिलते ही रहेंगे। बस इसका सीड्स आप कलेक्ट करके रखिएगा तो बहुत सुंदर सी रहती है, और ये भी खिलते हैं तो आराम से आपको 10-20 दिन तक ये फ्लावर ऐसे ही बने रहते हैं। बहुत सुंदर सी ये फ्लावर है, देखिए जगह जगह पर बहुत सारी खिली हुई है। इसे भी मैंने एक बार ही लाए थे और बार बार मैं अपने गार्डन में डालती रहती हूँ इसके सीड्स। बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे वैरायटी में आजकल आ रहे हैं। पहला मेरे पास एक ड्राफ्ट वैरायटी था, पूरे पिंक में देसी वाला था, वो आज तक पता नहीं मैंने सीड्स कहाँ पे रख दिए। मैंने सारे सीड्स डाले लेकिन एक भी नहीं निकले, उसके सीड्स मैंने कहीं गार्डनर्स को भेजे थे जब पहली बार सीड्स दिया था। तो उसके बाद है फ्रेंड्स ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी डालना तो हर कोई पसंद करता है, खास करके बालकनी में और घर के सामने जो गार्डन बनाते हैं तो उनके लिए ये अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह उठते ही उनको ये फ्रेश फ्लावर देखने को मिलता है तो बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि बहुत देर के बाद तो ये रहते नहीं है। तो बहुत सारे कटिंग लगा लो अभी आप जो है फ्रेंड्स, जो इस वाला जो मौसम है रेन बारिश भी आती रहती है और अच्छी खासी ठंड है रहती है, धूप ज़्यादा नहीं निकलती है, तो इस समय जो है आप बहुत सारे इस तरह की कटिंग्स लगा सकते हैं। ये सब मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है ये मेरा। तो देखिए कितनी प्यारी सी फ्लावर आ रहे हैं इसमें, बहुत अच्छी सी फ्लावर आ रहे हैं, और ये भी साल भर आते ही रहते हैं। अभी मानसून में तो बहुत अच्छी सी फ्लावर इसमें होती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे हनी बीज को अट्रैक्ट भी करती है, बर्ड्स आते हैं इसमें, बहुत सारे मतलब फ्लावरिंग प्लांट लगाने का बहुत सारा फ़ायदा रहता है कि मन भी खुश रहता है कि, और बहुत सारे हम एक का जो है कर सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं। ये भी मैंने डब्बे में ही ग्रो किया है, प्लूमेरिया है, वरना नहीं तो ये सर्दियों में होने वाले प्लांट्स अभी भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि गजानिया है 2-3 कलर के, हॉली हॉक है, जबरीना हॉली हॉक है, और एक हॉली हॉक रहता है वो वाला। बहुत सारी ऐसी है जो फ्लावर्स के लिए आप अपने गार्डन में ज़रूर इन सबको ऐड करिएगा, देखने में भी अच्छा रहता है, अपनी शौक़ भी पूरा होता है, और कहीं इधर उधर बाहर जाने की वजह से हम अपने गार्डन में ही वक्त बिता सकते हैं अच्छे से अच्छे। ये देखिए सारे कलर्स के कैलेंचू कटिंग में अभी लगा रही हूँ, तो आप भी लगाइएगा। और ये मेरे पास पहला था जेरेनियम का, तो अभी नहीं है, और ये सब देखिए ये लेंटना है, लेंटना भी आप लगा सकते हैं, ये भी कटिंग से भी ग्रो होता है, और बाद में आप कहीं से भी नर्सरी वगैरह में मिलता है तो लाइएगा, बहुत अच्छी सी इसकी कलर्स ब्यूटीज़ रहते हैं। हालांकि इसमें 2-3 कलर है मेरे पास, रेड है, येलो है, वाइट है, और ये मोगरा और सारे जास्मिन के बेल हैं, जैसे जूही है, कुंदरू है, सॉरी कुंदा है, और ये मोगरा है, श्रावण में खिलने वाले मेरे पास बहुत सारे हैं, तो ये सब जो है बहुत अच्छे से लगते हैं फ्लावर, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसकी, एक अरोमा निकलती है तो सुंदर सी आती है। तो सीड से भी मैंने कहीं ग्रो किए हैं इस बार, जैसे कि साइप्रस वाइन है, तो इसका ब्यूटी ना इसकी फ्लावर में ग्रीन के साथ छोटे छोटे स्टार की तरह, इसको तो लोकल हम लोग इसको स्टार फ्लावर ही बोलती हूँ मैं तो, इसको बिल्कुल स्टार
शेप में ना इधर उधर बहुत सारे आजकल कलर आने लगे हैं, रेड है, पिंक है, वाइट है, तो सारे बहुत सारे कलर्स आने लगे हैं, तो इनका कलेक्शन जो है आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, देखने में भी अच्छा रहता है और इजी भी ग्रो है। ना खाद ना पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत है आपको, बरसात में कम पानी तो कभी कभी यार ही डालना पड़ता है, रोज़ तो नहीं डालना पड़ता है, तो ये सब डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने फिर से मैंने यही बकेट्स छोटे मोटे उसी में यूज़ किया है। और कई लोग पूछते हैं कि मिट्टी कहाँ से लाते हैं, खाद कहाँ से लाते हैं, तो इस पर कई वीडियोज़ है। खाद घर में बनाती हूँ और खाद बनाते बनाते ना मिट्टी वही कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये सब है कि हम मानसून में अगर गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पानी भी कम रहता है लगता है, देखभाल भी कम रहता है। तो सारे फ्लावर्स हैं ब्यूटीफुल सा, ये पत्तियों वाला प्लांट है, कोलियस है, कैलेडियम है, बहुत सारे हैं ऐसे शो प्लांट्स हैं, हैंगिंग वाले हैं, टर्टल्स वाइन हैं, बहुत सारे वाइन्स हैं, आरेलियस प्लांट है, तो इन पत्तियों में भी बहुत खूबसूरती रहती है, दिखती है सुंदर सा अच्छा रहता है। तो इनका कलर शेड में भी बहुत सारे है, रेड, पिंक, वाइट और ब्लैक, सभी कलर्स की पत्तियों की आप इकट्ठा लगाते जाएंगे तो सुंदर सी लगती है। तो ये देखिए इस ग्रीनिश वाइट डॉट में है, बहुत सारी आती है। और नेक्स्ट मैं अपनी वीडियोस में ज़रूर ऐड करूँगी कि बहुत सारे आप वेस्ट मटेरियल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, मैं बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस हैं अभी डालने वाली हूँ। तो ये सारे ही मेरे गार्डन में कई साल से है फ्रेंड्स, कई साल से, बस इसका एक दो कटिंग बचा के रख लो, अगर पौधे ख़राब भी हो रहे तो आप कंटिन्यूसली उसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसे ऐसे ही करती हूँ मैं, खर्चा भी कम रहता है इसमें और अपनी गार्डनिंग का शौक भी रहता है। और जैसे भी पुराने पौधे हो जाते हैं तो उन्हें निकालना ही पड़ता है, हमें नए पौधे लगाने ही हैं, नहीं तो वो ज़्यादा दिन तक फ्लावरिंग वगैरह नहीं देते हैं। जैसे मानसून में तो बहुत सारे हैं ऐसे, देखिए ये मधुमलती है, कई दिन से फ्लावरिंग कर रहा था, अभी फिर से इसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, जैसे कि सारे जूही के प्लांट्स हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स आपको अपने गार्डन में देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ये सब आप गार्डनिंग करते हैं तो इसे ज़रूर एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।